Hello, so the question is, consider a situation shown in the figure 5e9. All the surfaces are frictionless and the string and the pulley are light. Find the magnitude of the acceleration of the two blocks. अब देखिए यहाँ पर हमें क्या दिमाग लगाना होता है इन क्वेश्चनों में, क्योंकि इसमें इंक्लाइन के ऊपर प्रोजेक्शन है, तो इसके अंदर जो हम कंसेप्ट यूज करेंगे इंक्लाइन प्लेन पर ब्लॉक के होने के, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एंगल निकालना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है यहाँ पर, तो इसको थीटा वन बोल देते हैं, इसको थीटा टू बोल देते हैं। थीटा वन आप अगर देखेंगे तो इस येलो ट्राइंगल के अंदर थीटा वन है, और थीटा टू अगर आप देखोगे तो ब्लू ट्राइंगल के अंदर थीटा टू है। अब देखिए आप क्या करते हैं, हम सीधे सीधे एफ बी डी बना लेते हैं यहाँ पर। तो जो वन के जी वाला है उसका एंगल कुछ इस तरीके से है कि वन के जी वाला जो है वो इंक्लाइन पर ऐसे रखा हुआ है, और ये एंगल जो है ये थीटा वन हम मान लेते हैं। तो हम जानते हैं कि नीचे क्या लग रहा होगा, एम जी। अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि ये 90 है, तो फिर ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। और थीटा के तरफ वाला कंपोनेंट हम लोग जानते हैं क्या होता है, कॉस थीटा। तो ये वाला कंपोनेंट यहाँ पर हो जाएगा एम जी साइन थीटा वन। एक रस्सी जो है वो पीछे खींच रही है, तो रस्सी का टेंशन टी वन मान लेते हैं। अब यहाँ पर थीटा वन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, राइट येलो ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज से। तो हमें क्या मिलता है, बेस साइन थीटा वन की वैल्यू आ रही है 4/5। थीटा वन की वैल्यू हो गई 53 डिग्री, और ऐसे ही थीटा टू की वैल्यू भी निकाल लेंगे 37 डिग्री। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखिए थीटा वन वाला एंगल बड़ा है तो साइन थीटा वन ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है एक्सप्रेशन नीचे की तरफ होगा, क्योंकि देखिए ये भी वन कीजिए है, ये भी वन कीजिए, जो लेफ्ट वाला ब्लॉक है वो भी वन कीजिए, राइट वाला ब्लॉक है वो भी वन कीजिए। टेंशन दोनों पे सेम लगेगी क्योंकि स्ट्रिंग एक ही है। तो मेजरली जो डिटरमाइन करने वाला फोर्स है वो कौन सा है, साइन थीटा वाला कंपोनेंट, जो कि बड़ा किसके लिए होगा, थीटा वन के लिए, क्योंकि थीटा वन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। बाकी आप एक्सेलरेशन डायरेक्शन अपोजिट भी अज्यूम कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ जाएगी। ठीक, सेम हम अब बनाएंगे दूसरे वाले केस के लिए, ब्लॉक टू के लिए। अगर हमें ब्लॉक टू के लिए बनाना है तो वहाँ पर एक ही रस्सी है तो टेंशन टी वन ही होगा, फिर नीचे लगने वाला फोर्स एम जी साइन 37, और फिर ये जाएगा ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन ए से। अब दोनों ब्लॉक्स के लिए इक्वेशन लिख देते हैं। देखिए जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसकी तरफ का फोर्स हम पहले लिखते हैं, तो हम लोग लिखेंगे एम जी साइन थीटा वन माइनस टी वन इज इक्वल टू एम वन इंटू ए। देखिए यहाँ पे मास अलग अलग हो सकते हैं, एम वन एम टू आप यूज़ कर सकते हो, पर एक ही मास है तो हम ये यूज़ कर लेंगे। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, मास है वन की जी इंटू जी, साइन थीटा की वैल्यू ऊपर से आप देख लीजिए 4/5 माइनस टी वन इज इक्वल टू वन इंटू ए। सिमिलरली हम दूसरे वाले ब्लॉक के लिए लिखते हैं, उसके लिए हम लोग टी वन ऊपर की तरफ, क्योंकि एक्सेलरेशन है तो टी वन बड़ा है, टी वन माइनस, अब अगर कोई और मास होता तो एम टू लिखते, लेकिन मास से सेम ही है तो एम जी ही लिख देते हैं साइन थीटा टू एम इंटू ए। इसके लिए क्या आ गया, टी वन माइनस, ये इक्वेशन नंबर टू आ गई, वन इंटू जी इंटू साइन थीटा टू की वैल्यू आप देख ली ऊपर से 3/5 है। अब क्या करते हैं, हम इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन वन एंड टू ऐड करते हैं, हमें क्या मिल गया, देखिए आप टी वन कैंसिल हो गए, तो 1g इंटू 4/5 माइनस 1g इंटू 3/5 इज इक्वल टू 1 और 1 2a। तो g की वैल्यू इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग 10 रख देते हैं यहाँ पर, तो 40/5 माइनस 30/5 इज इक्वल टू 2a।
इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से ए की वैल्यू आ गई 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। जब हमने यहाँ पर अज्यूम किया हुआ है कि जी की वैल्यू क्या है, 10 के बराबर। आप चाहे तो 9.8 ले सकते हैं, आंसर डिफरेंट आ जाएगा, लेकिन 10 मानकर एक्सप्रेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।